हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये फॉग देख के तो आप समझ गए होंगे कि अचानक से कानपुर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है और अब तो सच में मन नहीं करता कि मैं रजाई से बाहर निकलूं। आज का दिन काफ़ी खास था। खास क्यों है वो तो आप समझ ही गए होंगे। फाइनली हमें सूरज भगवान के दर्शन हो गए और हमारी गुड़िया रानी यहाँ गाय को और डॉगी को रोटियाँ खिलाती हुई। शिवांशी ना जैसे इस गाय को या फिर वो डॉगी को देखती है ना, तो देखते ही वो तुरंत किचन की तरफ भागती है रोटी लेने के लिए। तो हमें एक्स्ट्रा रोटियाँ बनानी पड़ती है ताकि शिवांशी गाय को और डॉगी को रोटी खिला पाए। तो आज का ये जो व्लॉग है थोड़ा पुराना व्लॉग है, मैं इसे बहुत पहले ही शेयर करना चाहती थी आपके साथ में, बट क्या हुआ कि मेरे फ़ोन से सारे क्लिप्स कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। आज मैंने अचानक से अपना ड्राइव जब ओपन करके देखा तो उसमें सारे क्लिप्स मुझे मिल गए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ में यही व्लॉग शेयर करती हूँ। सरदार पटेल जी को नमन करेंगे, पुष्पांजलि देंगे और उनके बनाए हुए आदर्श, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी सभा में हम सब अपने अपने विचार भी रखेंगे और उनको नमन करेंगे और उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लेंगे। तो आप लोगों को काफ़ी कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि ये क्लिप कब के है। नहीं लगाए तो मैं बता देती हूँ। दरअसल ये जो क्लिप हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी, उस दिन के सारे क्लिप हैं और हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे उनकी ये पुण्यतिथि को सेलिब्रेट करने के लिए और एक सम्मान समारोह भी रखा गया है। तो थोड़ी देर में प्रोग्राम स्टार्ट होगा, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मालाएँ पहनाई जाएंगी और उसके बाद में सारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। वेल आई मस्ट से कि इतने दिनों बाद इतने सारे लोगों के सामने बोलने में मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा था। आई थिंक 3 साल हो गए मैंने कोई भी ऐसी गैदरिंग नहीं अटेंड की है, ना ही कहीं पे मुझे इस तरह से बुलाया गया था। तो इतने सालों बाद में इतने सारे लोगों के सामने बोलने में थोड़ा तो हेजिटेशन मुझे हो रहा था। हेजिटेशन तो था मगर प्राउड भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि मुझे इतने दिनों बाद कहीं पे इस तरह से बुलाया गया है सम्मान देने के लिए। तो प्राउड फीलिंग ज़्यादा थी, हेजिटेशन थोड़ा कम था। बॉम्बे से आई हुई बेटी प्रियंका सचान है और इतना बड़ी खबर है कि कल लोग थोड़ा बात नहीं समझते और सभी मयाक प्रेम आप आइए सब लोग मालूम पड़ गई है। अरे जिला जिला अध्यक्ष कहाँ, जिला अध्यक्ष में महासचिव हमें जिला परिषद अध्यक्ष में वो वहाँ क्यों बैठी हुई है।
वेल मैंने तो यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया, मुझे अच्छा भी बहुत लगा और मुझे प्राउड भी बहुत फील हो रहा था। बस एक ही चीज़ की कमी थी कि मॉम डैड यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि वो शिवांशी को देखने के लिए घर पर रुके हुए थे और इस वजह से मैं बस उन्हें मिस कर रही थी। काश वो भी होते तो वो भी मुझे देख करके प्राउड बहुत फील करते। तो प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अभी ये फ़ोटो सेशन चल रहे हैं, बस ये ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। वोट हमें दीजिएगा, है ना? तो अभी हम लोग आए हुए हैं सचान चौराहा, इसे सचान चौराहा ही कहते हैं जैसा मुझे सभी लोगों ने बताया। तो ये सचान गेस्ट हाउस के पास में ही है। यहाँ पर एक सरदार पटेल जी की मूर्ति थी, वहाँ पर सब लोग उनको माला पहनाने और कैंडल जलाने के लिए आए थे। तो जब तक हम लोग कैंडल का वेट कर रहे थे तब तक सबने डिसाइड किया कि कैंडल आती है तब तक हम लोग अपने फोन्स की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि सेलिब्रेट की। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। यहाँ पर मेरी डैडी की मम्मी की हमारी सारी ट्रॉफीज रखी हुई हैं तो मुझे खुशी इस चीज़ की थी, इसमें एक और ट्रॉफी मेरी ऐड हो गई। और ये जो राइट साइड वाला सेक्शन है ना, ये मेरी ट्रॉफीज़ का है और जो लेफ्ट साइड वाला है इसमें मम्मी और डैडी दोनों की ट्रॉफीज़ हैं। वेल आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरे ब्लॉग में मैंने शिवांशी को नहीं दिखाया, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये रही हमारी प्यारी गुड़िया अपने ब्लॉग्स के साथ में खेलती हुई। शिवांशी को ना आजकल अपने ब्लॉग्स के साथ में खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है और आप देख रहे हैं ना कैसे पंजों पे खड़े होके वो बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है। वो जितना ऊंचा बना सकती है उसको उतना ऊंचा बनाने की कोशिश करती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो गिर जाता है। अभी शायद मेरी गलती थी कि मैंने अपनी बच्ची को डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो इसी वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटक गया और मेरे डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेरी बच्ची के ब्लॉग्स गिर गए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.